चंडीगढ़ में फंसे हुए प्रवासी श्रमिक प्रदेशी विद्यार्थी व देश के अन्य भागों से घूमने आए सैलानियों के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए उनके घर वापस जाने की व्यवस्था कर दी है। हिमाचल के लोगों के लिए सेक्टर 43 से खास बसों का इंतजाम किया गया है और वहीं मीलों दूर से दिहाड़ी मजदूरी करने वाले यूपी बिहार के लोगों के लिए भी खास ट्रेनें चलाई गई हैं, जिनमें दो गाड़ियां 16 मई को बिहार और यूपी के लिए भेजी गई, जिसमें बिहार के 1188 और यूपी के 1242 श्रमिक वापस भेजे गए। चंडीगढ़ प्रशासन का ये कार्य भी सराहनीय रहा कि जिन लोगों को उनके राज्य वापस भेजा जा रहा है उनकी सबसे पहले स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और साथ ही अपाहिज व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, बूढ़े बच्चे, इनके लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े उसके लिए स्थानीय एनजीओ की मदद से खाना पानी व पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। अर्थ प्रकाश की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं घर वापस लौट रहे श्रमिक अपनी खुशी कैसे बयान कर रहे हैं। अभी क्या टाइम हुआ? 7:56 हो गया। 6:56 हो गया सर। आप ये खाना खा रहे हैं? ठीक है खाना? हाँ जी सर, खाना। ये खाना चंडीगढ़ प्रशासन ने दिया है? हाँ जी सर। तो आप उनकी व्यवस्था से खुश हैं सारे? हाँ जी सर, बहुत खुश हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? गोंडा जिला जी। गोंडा जिला? हाँ जी सर। ठीक है, तो कल पहुँचोगे? हाँ जी सर, सुबह पहुँच जाएंगे। अभी चंडीगढ़ में कहाँ पे काम कर रहे थे? सेक्टर 22 में जी। सेक्टर 22 में। चलो खाना खाइए आप और अपनी जर्नी आपकी सुखद रहे। तो आप चंडीगढ़ वापस आएंगे? अब हमें सर आएंगे। ठीक, कब आएंगे? अब आएंगे सर जब जैसे यार लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद में। ओके ठीक है, चलिए थैंक यू। ओके सर। ओके। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।